मेरठ में अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में मेरठ पहुंची आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हुदा जरीवाला से जनतंत्र टीवी संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में और मेरठ में अक्सर कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। ये मंच बनाया गया है, इसी मंच पर अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचकर जनता को संबोधित करेंगे। पूरी तरह से मंच तैयार हो चुका है, थोड़ी देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। ये पूरा पंडाल बनाया गया है, पंडाल में नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचकर एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है जिनसे हम जानते हैं। हुदा जी, आप मेरे भाई हैं, इस रैली का क्या उद्देश्य है? सर, इस रैली के माध्यम से हम मेरठ के ऐतिहासिक ग्राउंड में यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे माननीय सीएम साहब श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे। महापंचायत किसानों की संबोधित करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह सर यहाँ पे मौजूद होंगे। हम इस माध्यम से किसानों के खिलाफ जो तीन काले कानून पास किए हैं, जहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन की बात मोदी और आदित्यनाथ सरकार सपोर्ट करते हैं, उस काले कानून के विरोध हम यहाँ पे मौजूद हैं और इतनी बड़ी किसान महापंचायत संबोधित करेंगे, जहाँ पे किसान के मुद्दे, किसान से जुड़े हुए तमाम मामलों का यहाँ पे बातचीत होगी और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम आम आदमी पार्टी की टीम पूरी दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आज हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और आम आदमी पार्टी बात करती है सिर्फ किसानों के मुद्दों की, उनके हक की, और उन जो इतनी तीन महीने से ज़्यादा वो लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनके साथ ना जाने क्या कुछ उनको संघर्ष नहीं झेलना पड़ रहा, उनके हक की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कि हमें जिला पंचायत इलेक्शन में हमें लोग सराहे हैं, आम आदमी पार्टी को मौका दें, क्योंकि बाकी पार्टियों को तो आप लोगों ने देख लिया है, दिल्ली में हम पूरा एक डेवलपमेंट का मॉडल उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं। उसके अलावा 22 में आप जानते हैं ये चुनाव है, तो उसके लिए दिलो जान से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, श्री संजय सिंह जी लगे हुए हैं, ना जाने कितने मुद्दों की। आप देखते हैं पार्लियामेंट में एक वो ऐसे लीडर हैं जो डरेगा बेखौफ होकर लोगों की हक की, उनके मुद्दों की, किसानों के चाहे वो मुद्दे हों चाहे किसी और तरह का समस्या हो, वो हक से लड़ते हैं और वही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। और हम चाहते हैं कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में लाएं। ये थी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के मॉडल को अब उत्तर प्रदेश में लाने के लिए इस रैली के जरिए लोगों को समझाएगी। साथ ही आम आदमी पार्टी घर घर जाकर, गांववार जाकर लोगों को दिल्ली मॉडल की विशेषताएं बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मंच से मेरठ की जनता और किसानों को संबोधित करेंगे। सादिक खान, जनतंत्र टीवी, मेरठ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.